उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता इंसानों के साथ साथ देवी देवताओं को भी इतना भाती है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ हमारे उत्तराखंड में एक जगह ऐसी भी है जहां शादी करने वाले जोड़ों की जिंदगियां संवर जाती हैं। इससे पहले आपको बता दें कि रंग देवभूमि के कार्यक्रम में हम देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और परिवेश से जुड़ी कई रोचक जानकारियां रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस प्राचीन मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और आज भी इनकी शादी की निशानियाँ यहाँ मौजूद है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे त्रियुगी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के संबंध में गांव में मान्यता प्रचलित है कि भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने इसके बाद इसी मंदिर में माता पार्वती से विवाह किया था। यहाँ एक कुंड में अखंड धुनी जलती रहती है। गांव वालों का कहना है कि इसी जगह पर शिवजी और माता पार्वती बैठे थे। इसी अग्नि कुंड के चारों तरफ भगवान ने फेरे लिए थे। मंदिर में भक्त लकड़ियां चढ़ाते हैं और भगवान के प्रसाद के तौर पर अग्नि कुंड की भभूत अपने घर ले जाते हैं। ये भभूत घर में मंदिर में रखी जाती है। शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। विवाह से पहले ब्रह्मदेव ने मंदिर में स्थित एक कुंड में स्नान किया था, जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। तीर्थयात्री इस कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ एक और कुंड है जिसे विष्णु कुंड कहते हैं। शिव पार्वती विवाह में विष्णु जी ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। कहते हैं इसी कुंड में स्नान करके भगवान विष्णु विवाह में शामिल हुए थे। मंदिर में एक स्तंभ भी है। इस संबंध में मान्यता है कि भगवान शिव को विवाह में उपहार स्वरूप एक गाय मिली थी। यहाँ स्थित इसी स्तंभ पर उस गाय को बांधा गया था। जो भी श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं, वे यहाँ प्रज्वलित अखंड ज्योति की भभूत अपने साथ जरूर ले जाते हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन शिव और पार्वती के आशीष से हमेशा मंगलमय बना रहे। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो आप किस विषय में देखना चाहते हैं ये भी अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।